हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी रोजगार चैनल में दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों साइंस जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो से दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, हिपेटाइटिस बी नामक विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो पांडु रोग फैलता है दोस्तों हिपेटाइटिस बी नामक जीवाणु के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो गलघोंटू रोग है दोस्तों डिप्थीरिया का दूसरा नाम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमें सर्वाधिक ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो वसा से प्राप्त होती है दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जल का लगभग कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? तो 70 से 80% होता है दोस्तों जल का हमारे शरीर के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो विटामिन जो ए है दोस्तों उसके कारण होता है दोस्तों रतौंधी नामक रोग दोस्तों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो सिंपली आपको आंसर करना है दोस्तों विटामिन ए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय रोग व रक्तचाप को बढ़ाने वाला अवयव कौन सा है दोस्तों? वसा, वसा बोलते दोस्तों फैट, फैट अगर शरीर के अंदर बढ़ जाती है दोस्तों तो उस कारण से दोस्तों हृदय का रोग मतलब हार्ट अटैक वगैरह और रक्त उच्च रक्तचाप मतलब जो ब्लड का फ्लो है दोस्तों वो हम कंट्रोल नहीं कर पाते दोस्तों। तो ये किस तत्व के बढ़ जाने के कारण होता है दोस्तों? वसा तत्व के बढ़ जाने के कारण होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संपूर्ण विश्व को शुद्ध के वितरण के लिए जिम्मेदार है दोस्तों? तो लुईस पाश्चर दोस्तों संपूर्ण विश्व के शुद्ध के लिए वितरण के लिए जिम्मेदार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पोलियो वैक्सीन में प्रवेश होता है दोस्तों? तो एंटीजन का प्रवेश होता है दोस्तों पोलियो वैक्सीन में, एंटीजन का प्रवेश होता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक्लोहोली किन्वन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सूक्ष्म जीव है दोस्तों? तो सेकेरोमाइसिन का यूज किया जाता है दोस्तों एक्लोहोली किन्वन के लिए प्रयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शर्करा में अल्कोहल का निर्धारण का कारण क्या है दोस्तों? तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है दोस्तों शर्करा के अंदर अल्कोहल का दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक कीजिए दोस्तों, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।